मंडी शहर के सैन मोहल्ले के एक घर में लिंक हुई गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली, जिस कारण एक महिला व उसका बेटा झुलस गए। महिला ने बताया कि उन्होंने सुबह गैस पर खाना बनाने के लिए रखा था और वे रसोई का दरवाजा बंद कर टमाटर लेने चली गई। जैसे ही टमाटर लेकर लौटी और दरवाजा खोला तो उतनी में दरवाजे के पास खड़ी आग में झुलस गई। उनका बेटा भी उन्हें बचाने के लिए दौड़ा और वो भी आग में झुलस गया। महिला ने बताया कि उन्होंने आज सुबह ही गैस सिलेंडर खत्म होने पर नया गैस सिलेंडर लगाया था। गनीमत तो ये रही कि वह घटना के दौरान रसोई घर में नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं महिला व उसके बेटे का इलाज जोनल अस्पताल मंडी में चल रहा है। गैस पे रख दिया था सब कुछ ना, फिर मैं रसोई बंद करके चली गई हूँ टमाटर लेने दुकान में। फिर दुकान से आई मैं, फिर नीचे रसोई में दरवाजा खोला, बस उस टाइम मेरे को आग लगी। दरवाजे के पास ही दरवाजा खोला, आग लग गई एकदम। अंदर गैस भी खुली थी ना, ऑन रखी थी, खाना रखा था बनाने के लिए, और ऊपर से लाइट जली हुई थी। बस जैसे मैंने दरवाजा खोला वैसे मेरे को आग लग गई दरवाजे के पास ही। अंदर तो मैं गई नहीं रसोई में, फिर मेरा लड़का आया मेरे पीछे पीछे, फिर वो लगा मेरे को बचाने, उसको भी वो चुनी जली हुई थी तो मैंने फेंक दी जल्दी से। आपको बता दें कि मंडी शहर के सैन मोहल्ले के घर में लीक हुए गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली, जिस कारण एक महिला व उसका बेटा झुलस गए। माँ बेटा दोनों को जोनल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।